We are starting question number 3 and 4, exercise 10.3, vector algebra, very easy chapter. Find the projection of vector. हमारे पास दो वेक्टर हैं और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर बताना है. तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लीजिए, ये ए वेक्टर है और इसको आपने बी वेक्टर इक्वल टू करके मान लिया. पहले मैं इस वर्ड को क्लियर करना चाहूंगा, प्रोजेक्शन. अगर आप कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए. समझिए, आपके पास यहाँ पर एक वेक्टर है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पर ये वेक्टर है, वेक्टर ए बी. बात समझ रहे, ए से बी को डायरेक्टेड है. और सपोज करिए कि यहाँ पर एक डायरेक्टेड लाइन है एन, ये आपके पास एक डायरेक्टेड लाइन है, तो यहां से इसको मिलाया, ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये डायरेक्टेड लाइन आपकी इस साइड को है. तो ये जो ए से लेके सी तक हमारे पास सपोज कीजिए ये पी वेक्टर है, वेक्टर पी है. और तो ये जो पी वेक्टर आपके पास होगा ये प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर है. तो आप प्रोजेक्शन समझ चुके, प्रोजेक्शन क्या होता है. तो ये सिंपल वर्ड में हमने आपको बताया. अब हम काम पर आ जाते हैं. फाइंड द प्रॉपर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर ऑन द वेक्टर, हमारे पास दूसरा वेक्टर गिवन है. तो मैं इसका फॉर्मूला आपको समझाता हूं. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ए ऑन बी, तो वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है इनका स्केलर प्रोडक्ट अपॉन में, जिसके ऑन बी है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड. बात समझ में आई. तो ए और बी का आप पहले स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए. यहां पर वन है, यहां पर भी वन है, उधर भी वन है, उधर भी वन है. वन ने वन से मल्टीप्लाई करी, आपके पास वन आ गया. वन ने वन से मल्टीप्लाई करी, माइनस वन आ गया. और बी का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, जीरो अपॉन स्क्वायर रूट टू इक्वल टू जीरो. तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कितना आ गया है, जीरो आ गया. नंबर फोर पे आ जाइए और देखिए फोर को, बिल्कुल सिंपल है. इसी तरह से मैं इसको क्या मान लूंगा, मैंने इसको मान लिया वेक्टर ए और इसको क्या माना है, वेक्टर बी. अब सुनिए इसका प्रोजेक्शन क्या होगा. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और बी, हमारे पास वो रहता है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आपने निकालना है वेक्टर बी के साथ, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड. तो वन सेवन जा सेवन और प्लस थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री और सेवन एट जा 56 अपॉन आपके पास इसका सेवन का स्क्वायर और एट का 64. बात समझ रहे हैं आप, ठीक है. ये आपके पास कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है. तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आ गया है, सेवन और ये 56 में सेवन में से आप पहले से माइनस कर लीजिए, 4 आ गया, 4 को इसमें ऐड करिए तो आपके पास 60 हो गया अपॉन ये 50 हो गया. आप 50 में 64 प्लस कीजिए, पता है ना 140. ये आपके पास सेकंड का आंसर है. ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है ऑन वेक्टर बी पर. आई होप ये दो इजी सम आपको इजीली समझ में आ गए हो. अगर ये अच्छा लग रहा है समझने में, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम डेली 5 या 5 से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं और हम चाहते हैं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.